Welcome learners in this course of computer fundamentals. Previous lecture में हमने number system, positional and non-positional number system देखा था. इस lecture में हम देखेंगे कि with the help of example binary number होता क्या है. हम binary number को represent कैसे करते हैं. अगर हमें किसी binary number को decimal में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं. इसके अलावा binary number हम कंप्यूटर फंडामेंटल में ये यूज करते हैं कि नहीं. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होती है वो 2 होती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बेस होता क्या है और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है. यहाँ पे हमने इतना याद रखना है जो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस होती है वो 2 होती है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे बेस 2 है तो हमारे बाइनरी नंबर के जो पॉसिबल नंबर्स है या 0 हो सकता है या 1. द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट मीन 1. जो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इसमें हो सकता है वो 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास बेस 2 है तो जो नंबर होगा वो 1 लेस देन द बेस होगा. 1 लेस देन द बेस दैट मीन्स या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. हर कोई पोजीशन बाइनरी नंबर का वो रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ द बेस. ये होता क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझ आएगा. हेंस जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जो राइट मोस्ट पोजीशन सबसे राइट में जो पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मान लेंगे सबसे राइट में इसकी जो पोजीशन होती है वो 2 raised to power 0 होती है. उसके बाद इसी तरह सेकंड पोजीशन में हम देखते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम बेस को 1 ऐड करते हैं 2 raised to power 1. उसके बाद प्रोसीडिंग इन दिस वे अगर 4 हो 2 की पावर 2, अगर 8 हो 2 की पावर 3 एंड सो ऑन. Therefore, decimal equivalent of binary number. अगर हमारे पास कोई binary number है, for example 10101, हमें पता है कि binary number की जो base होती है वो 2 होती है. That means हमारा जो number है वो base से 1 less होगा, 10101. अगर हम अब चाहते हैं कि हम अपने binary number को decimal में देख लेंगे कि हमारा binary number जो है वो decimal में क्या है, उसके लिए एक तरीका है. यहाँ पे हमने एक example लिया है 10101. राइट मोस्ट में जो सबसे पहले 1 है हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे 1 लेते हैं. उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बेस की पावर 0. जो हमने देखा था राइट मोस्ट में हम क्या काम करते हैं, जो बेस होती है उसको पावर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है हमने सेम 0 लिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, उसी बेस के साथ, लेकिन पावर में इस वक्त एड 1 किया है. आपको यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमने हर वक्त पावर को क्या किया है, ऐड. यहाँ पे फिर हमने 2 पावर लिया है, फिर 3 पावर लिया है, फिर 4 पावर लिया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड 4. दैट मीन्स 4 बार हमने अपनी जो पावर है उसको ऐड किया है. अब हम चाहते हैं कि हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में देखें. सबसे पहले हम इस नंबर को लेंगे 1 multiply power 2 raised to power 2. 2 raised to power 0 होता क्या है, 2 raised to power 0 होता है 1. That means 1 into 1 क्या होता है, 1. उसके बाद अगर 0 को मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं तो वो हमेशा नंबर 0 ही आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद 1 into 2 raised to power 2. 2 की raised to power 2 क्या होता है, 2 into 2, दैट मीन्स 4. 4 into 1 क्या होता है, 4. उसके बाद और 0 है, 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही बनता है. उसके बाद 2 raised to power 4 क्या होता है, 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. 1 into 16 क्या होता है, 16. अगर हम इस सारे नंबर्स को ऐड करें तो वो आता है 21 इन व्हाट, डेसिमल. अब क्या है कि इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच सिस्टम, अगर हम चाहते हैं कि कौन सिस्टम जो हमारा नंबर है वो किस सिस्टम में है, हम क्या करते हैं कि हम उसको इंडिकेट करते हैं सबस्क्रिप्ट से. सबस्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनरी नंबर है, इसका जो सबस्क्रिप्ट या बेस जो है वो 2 है,
इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। इसी तरह यहाँ पे डेसिमल है, हमें कैसे पता चलेगा कि 21 डेसिमल में है, उसके लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है वो है 10। ये आपको याद रखना पड़ेगा बाइनरी का सबस्क्रिप्ट या बेस क्या होती है, डेसिमल का क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जब ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ेंगे तब जाके आपको याद रखना है कि बेस होती क्या है, क्योंकि बेस ही में पता चलेगा कि ये जो हमारा नंबर है ये किस सिस्टम में है। बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म किसी, कोई बाइनरी डिजिट होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिट कहते हैं। हैनस क्या है? जो बिट कंप्यूटर में होता है उसको हम आइदर जीरो लेते हैं या वन लेते हैं। एन बिट नंबर इज अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ एन बिट्स। अगर हमारे पास एन बिट बाइनरी नंबर हो वो कंसिस्ट उसमें कितने बिट्स हो सकते हैं, एन बिट्स। फिगर लिस्ट इज ऑल थ्री। यहाँ पे हमने एक फिगर ली है जहां पे हमने 3 बिट नंबर लिया है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बिट हमने नंबर लिया है, अलोंग विद देयर जो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है वो भी लिया है हमने। अब आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि सो दैट आप बाइनरी नंबर को इजीली पहचान सको और ये पॉइंट्स बाइनरी रिलेटेड याद रखो। रिमेंबर दैट वी हैव ओनली 2 डिजिट्स। हमें ये याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, या 0 या 1। हेनस जो बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल है टू स्टेटेड टू बी 1 0। अगर हमें कोई भी नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 लेना है, हम इसको बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 0। हम इन अपकमिंग लेक्चर्स देख लेंगे कि हम एक डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम सब देख लेंगे। आपको पेशेंस रखनी है और इन वीडियोस को आहिस्ता आहिस्ता करके देखना है सो दैट कि आपको बेसिक्स क्लियर हो। एक बार आपकी बेसिक्स क्लियर हुए तब जाके आपको आगे आगे एग्जाम्पल के जरिए सब कुछ समझ आएगा। इसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर हमारे पास 3 बिट्स है, 3 बिट हमें पता है 1 1 एंड 1, 3 बिट्स अगर हमारे पास है तो क्या होता है कि वहां पे हम कितने पैटर्न बना सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास 3 बिट्स है तब जाके हम 8 ही नंबर ले सकते हैं। दैट मीन्स 2 रेज द पावर 3, 2 की पावर 3 जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा इनफैक्ट कोई भी डेसिमल नंबर हो जो रेंज, हम उसकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं, 2 रेज द पावर n-1, 2 रेज द पावर n-1। ये 1 जो है माइनस ये नीचे है और जो पावर है वो 2 की पावर में है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं, 3 बाइनरी डिजिट्स, हम ये n में पुट करेंगे। 2 रेज द पावर 4 क्या होता है, 8, 8-1 क्या होता है, 7। दैट मीन्स अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो हम उनको डेसिमल में 7 में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम n में 4 4 बाइनरी डिजिट्स लेंगे, 0 0 0 0, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कि 4 2 की पावर 4 होता है 16, 16-1 होता है 15। दैट मीन्स 0 to 15 हम क्या लिख सकते हैं, 4 बिट अगर हमारे पास नंबर हो। एवरी कंप्यूटर स्टोर्स, हर कोई कंप्यूटर स्टोर क्या करता है, नंबर्स करता है, लेटर्स करता है या स्पेशल कैरेक्टर्स करता है बाइनरी फॉर्म में। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये जरूरत जानने की नहीं है कि जो कंप्यूटर में रॉ डेटा है वो कहाँ पे कौन सा डेटा है बाइनरी फॉर्म में। इसके लिए एक कॉमनली वे ऑफ डूइंग इज, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डेटा को या रॉ मेमोरी कंटेंट को प्रिंट करें या डिस्प्ले करें, उसको कहते हैं मेमोरी डंप। मेमोरी डंप इन बाइनरी फॉर्म क्या होता है, वुड हैव मेनी पेजेस ऑफ जीरोस एंड वन्स। बाइनरी डंप जो होता है बाइनरी फॉर्म में उसके बहुत सारे जीरो एंड वन्स के बहुत सारे पेजेस होते हैं। वर्किंग विद मेमोरी डंप इन बाइनरी फॉर्म वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड एरर प्रोन फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। कंप्यूटर प्रोफेशनल जो होते हैं उनके लिए मेमोरी डंप जो बाइनरी में होता है उसमें काम करना बहुत ही मुश्किल, इसके अलावा कोई भी एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। हैनस जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो या तो ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करते हैं या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि वो एज ए शॉर्टकट नोटेशंस बाइनरी नंबर की है। अब बहुत सारे लर्नर्स कहेंगे कि ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल ये होता क्या है, ये कैसा दिखने में होगा। आपने काम करना है कि आप सबसे पहले नंबर सिस्टम पहला यूनिट जो है वो देखिए, उसके बाद बाइनरी नंबर,
आगे जाके जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा उसमें हम ऑक्टल नंबर देखेंगे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, अगर हमें एक नंबर को उसकी बेस क्या होती है, इसके अलावा अगर हमें एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में या डेसिमल में लिखना होगा हम कैसे लिख सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक्स।